नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्षय छठी का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12वां, जो है संसार पुस्तक है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और ये इस पाठ के जो लेखक हैं वो है नेहरू गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, और इसका अंग्रेजी से अनुवाद हिंदी में किया गया है प्रेमचंद जी द्वारा। तो ये जो कहानी नहीं है, ये कुछ लेटर्स थे जो कि नेहरू जी अपनी बेटी को लिखते थे। उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था, वो अपनी बेटी को लिखते थे, काफ़ी खत लिखते थे। तो संसार पुस्तक है ये, एक किताब का एक पाठ उन्होंने लिया गया है, एक किताब का यू नो एक पाठ जो है वो ली गई है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, नेहरू गांधी जो है उनको बच्चों से बहुत प्यार था, वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती, तो अभी आज हम इस पाठ को फिर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इसका पाठ का सारी चीज़ें हम 3 वीडियोस और लेंगे। सो जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हूँ और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद, मैं हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत बड़ी सी बातें ही बदला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों में से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था।
किताबें कौन लिखता। जब हम उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो, यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें। यह बड़ी मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देख बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ लें। मुझसे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्राकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल और चमकीले हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने या क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारा आंखें देख और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे खिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी अनुवाद प्रेमचंद जी। लेखक के बारे में, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 27 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था।
वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पुत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी, जिसमें हम इस पाठ का वाक्यांश, प्रश्न उत्तर सब कुछ लाएंगे। थैंक यू।